हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। सभी को आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे न्यू कृष्ण जी का केक। हमारे पास ऑर्डर आया है हांडी केक, और 8 पाउंड का केक है। बहुत ही शानदार फाइनल लुक होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, कृपया देखें वीडियो। और हम केक का आइसिंग कर लेंगे। 6 पाउंड का नीचे केक का आइसिंग करेंगे। हमारा केक आइसिंग हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम चढ़ाएंगे पाइनएप्पल जेली, और येलो कलर का केक है हमारा टोटल फाइनल लुक में। और आप देखते रहिए। देखिए, हमारी जेली भी चढ़ चुकी है केक में। जेली लगाने के बाद हम बनाएंगे हांडी। जेली को चारों तरफ बराबर कर लेते हैं, और बराबर करने के बाद इसको फिनिशिंग करके अब हम बनाएंगे मटकी केक। जी हाँ दोस्तों, मटकी केक हम 2 पाउंड का 2 पाउंड का हमारा मटकी केक रहेगा। इसी केक के ऊपर रखा जाएगा 6 पाउंड के ऊपर। और ये देखिए, हम देखें इसको स्लो आइसिंग कर लेते हैं। और मटकी की डिज़ाइन थोड़ा हार्ड होती है, इसलिए हमें टाइम लग रहा है इसमें। और हमारा मटकी केक की नॉर्मल आइसिंग हो चुकी है। अब हम इसमें नोजल भर के ऊपर से बनाएंगे। अब ये देखें, हमारा जैसे मटकी का शेप बन चुका है। अब हम इसको फिनिशिंग देंगे, और हमारा फिनिशिंग ये भी हो चुका है लगभग मटकी केक। ये लो, हमारा फिनिशिंग हो चुका है। अब हम इसमें चढ़ाएंगे जेली। हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिए दोस्तों, ताकि इसमें आप जल्द से जल्द फाइनल लुक। ये देखो दोस्तों, ये डिज़ाइन बनी हुई है, हमें पहले से फोटो आई है मेरे पास। और हम इसमें और थोड़ा अपने हिसाब से डिज़ाइन ऐड करके अब हम इसको उठा के रखेंगे केक को। ये अब देखो दोस्तों, अभी तो तैयार नहीं हुआ, कितना गजब का केक लग रहा है। हम इसमें स्टिक लगा देंगे, ताकि मटकी इधर उधर न हिले, क्योंकि केक बहुत दूर जाएगा। हम स्टिक लगा, अब हमारा आएगा दही मक्खन। अब मक्खन इसमें गिरा देंगे। ये देखो, हम नीचे भी थोड़ा डेकोरेट कर देंगे, डिज़ाइन बना देंगे। अब हमारी नीचे की डिज़ाइन हो गई कंप्लीट। अब इस फोन में फ़ोटो देखते हैं कैसा था हमारा केक। और अब हम इसको करेंगे गार्निशिंग, फैन लगाएंगे। दोस्तों, मोर पंख हमारे पास ख़त्म हो गए हैं, मोर पंख नहीं लगा सका, नहीं तो और गजब का लुक आता। अब हम इसमें गार्निशिंग कर देंगे, ताकि केक और अच्छा बेटर लगे, क्योंकि कस्टमर की डिमांड है कि हमारे केक में गार्निशिंग होना चाहिए। और देखो, हमारी गार्निशिंग भी हो गई। हम इसमें डालेंगे कलर बॉल हल्का सा, और हार्ड शेप वाली कलर। अब हमारा ये भी तैयार हो गया है। देखो दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा कलर बॉल तो डालेंगे, कलर बॉल कहाँ रखी है, मिल नहीं रही। बॉर्डर मारेंगे इसमें, और बॉर्डर मारेंगे, कलर बॉल डाल दी, हार्ट शेप की गार्निश लगा दिए, हार्ट शेप का हार्ट, छोटे छोटे भी हार्ट लगा दिए। अब इसमें ये देखो दोस्तों, फाइनल लुक में हमारा केक आ चुका है। आप देख सकते हैं कितना गजब का बेस्ट केक लग रहा है। और ये देखिए दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी केक है।